शिरडी के साईं बाबा के बारे में तो सबने सुना होगा। ये एक भारतीय गुरु, संत एवं फकीर के रूप में बहुमान्य है। साईं बाबा के अनुयायी उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी मानते हैं। जब भी शिरडी नाम सामने आता है, लोग इसे साईं बाबा के नाम से ही जानते हैं। लेकिन दो और भी अहम चीजें इस जगह को खास बनाती हैं, एक द्वारका माई और दूसरी वहां जलने वाली अखंड धूनी। क्या आपने कभी द्वारका माई और अखंड धूनी की कहानी सुनी है? क्या है ये द्वारका माई और अखंड धूनी? आखिर इन दोनों को क्यों जोड़ा जाता है साईं बाबा के साथ? ये बाबा की लीला है कि मस्जिद होकर भाई अग्नि पूजन किया जाता है, मस्जिद होकर वहाँ घंटानाद किया जाता है, मस्जिद होकर वहाँ तुलसी वृंदावन है और हर साल तुलसी वृंदावन के वही समीप तुलसी विवाह किया जाता है, यानी कि भगवान के प्रबोध उत्सव की पूजा वहाँ किया जाता है। तो ये बाबा ने कभी भेद नहीं है किसी के बारे में, कई जात पात धर्म किसी नहीं बताया। सर्वधर्म समन्विता ये समझकर सबका मालिक एक महामंत्र बाबा ने द्वारका माई में दिया है। द्वारका माई में साई ने धूनी जलाई। वैसे आमतौर पर शिरडी को लोग शिरडी के साईं बाबा के नाम से ही जानते हैं, परंतु शिरडी द्वारका माई के नाम से भी प्रख्यात है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। बाला साहेब देव जो मामलेदार थे, उनको स्वयं बाबा ने प्रथम यह मस्जिद का नाम द्वारका माई है ऐसा बताया और उसी से मस्जिद का नाम द्वारकामाई पड़ गया और ये द्वारकामाई मंदिर आज भी बाबा बता देते हैं। ये द्वारकामाई की खासियत कि हर लीला जो द्वारकामाई में हुई तो बाबा ने हर लीला वहाँ की कि सर्वधर्म समन्विता। बाबा ने ये जो तत्व बताया है कि सबका मालिक एक महामंत्र उन्होंने वहाँ दिया है। द्वारकामाई एक मस्जिद हुआ करती थी जिसे साईं बाबा ने अपना आसरा मान लिया और ये उन्होंने इस बात का सबूत देने के लिए किया कि भगवान एक ही है। यही नहीं, बाबा द्वारका माई को अपनी माँ कहते थे, क्योंकि जिस प्रकार माँ के पास बैठते ही सुकून मिलता है, ठीक उसी भांति उन्हें यहाँ बैठने पर संतोष और आनंद की अनुभूति होती थी। साईं बाबा के शिरडी पहुँचने से पहले द्वारका माई टूटी फूटी हालत में एक पुरानी खंडर मस्जिद हुआ करती थी। इस मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ता था। जब साईं बाबा यहाँ पधारे तो उन्होंने खुद इसका नाम द्वारका माई रख दिया और ये साबित कर दिया कि केवल एक ही भगवान है, अर्थात सबका मालिक एक। दीप जलाए पानी से दिवाली मनाई के बारे में कई जात पात धर्म किसी नहीं बताया। सर्वधर्म समन्विता ये समझकर सबका मालिक एक महामंत्र बाबा ने द्वारका माई में दिया है और वही द्वारका माई में दादा साहेब खापरड़े बूटी दासगुनू महाराज और सभी भक्तों को वहाँ दर्शन अपने अपने भगवान के स्वरूप में दिए हैं और वहीं सब जो बाबा के साथ भक्त थे वो बाबा को गुरु मानकर वही पूजा करते थे और गुरु अपने गुरु का स्थान द्वारकामाई मंदिर है ये समझकर वो गुरु का पूजन गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी वही मनाते थे। प्रभु रामचंद्र का रामनवमी महोत्सव वही भी मनाया है। आज भी इस जगह पर बाबा का चित्र और एक शिला यानी पत्थर मौजूद है जहाँ साईं महाराज अक्सर बैठा करते थे। जिस जगह पर बैठकर साईंनाथ महाराज ने मानव कल्याण के लिए सबको सबका मालिक एक और श्रद्धा सबूरी का संदेश दिया,
वहां आज भक्त बड़ी आस्था से दर्शन करते हैं। बाबा की तस्वीर के सामने घुटने टेकते हुए अपना दुख दर्द हरण होने की प्रार्थना करते हैं। इसी जगह पर और एक बिंदु है जो भक्ति अभिव्यक्ति की महान विविधता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार है, जिसे भक्त साई की धुनी के नाम से जानते हैं। यही अग्नि साई बाबा के होने का जीता जागता सबूत है। मान्यता है कि बाबा ने अपने आशियाने द्वारका माई में अपनी यौगिक शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की। इस धुनी की भस्म को बाबा ने उदी नाम दिया और वह इसे अपने भक्तों को बांटते थे, जिससे कई गंभीर रोगी भी ठीक हो जाते थे। बाबा के इसी धुनी में आज भी निरंतर लकड़ियां डालते हुए सुरक्षित रखा गया है और यहां निकलने वाली उदी को आज भी भक्तों को प्रसाद स्वरूप में दिया जाता है। साईं बाबा की द्वारका माई में बाबा की उपयोग की कुछ वस्तुएं भी दर्शन हेतु रखी हुई है। यहाँ पानी का घड़ा हमेशा भरा होता है, साथ तेल के दिए दिन रात जलते रहते हैं। साईं ट्रस्ट ने द्वारका माई का जतन भली भांति किया है। यहाँ हर जगह पर श्रद्धा का वास है। हर चीज में साईं बाबा का साक्षात्कार दिखाई देता है। कहते हैं कि जहां खड़े रहकर बाबा ने अनगिनत चमत्कार किए, वहां आज भी बाबा की छवि कभी कभार दिखाई देती है। लगभग 150 साल से जल रही साईं की धुनी को भक्त अखंड धुनी के नाम से जानते हैं। यहां जल्दी धुनी में चार बार गाय के गोबर की सुबह और लकड़ियाँ डाली जाती हैं। साईं ने खुद ये कहा था कि ये धुनी तब तक जलेगी जब तक इस दुनिया का अस्तित्व रहेगा। हेमाडपंत में साई चरित्र में बताया है कि द्वारका माई में दर्शन के जाने के बाद जिस स्वरूप आप ध्यान लगाएंगे, उस स्वरूप दर्शन बाबा दे देंगे। वैसी स्वरूप में बाबा आज भी द्वारका माई में दर्शन देते हैं, ये अनुभूति है। और बाबा को वहाँ बाबा आज भी दयामणि जैसा भाव तया तैसा स्वरूप में दर्शन देते हैं। द्वारका माई का महत्व है। भक्तों के खातिर चरणों से गंगा शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए जो भी भक्त आता है, वो द्वारका माई के इस धुनी के दर्शन लिए बगैर वापस नहीं लौटता। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे साईं बाबा के दरबार से जुड़ी ऐसी ही खबर को लेकर। तब तक के लिए सुखी रहें, खुश रहें। आपसे विनती है कि इस वीडियो को अपने मित्र, परिजन और साईं भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को इसका लाभ और दर्शन मिल सके। भरसा के खातिर बाबा ने नाम लिया साई, भरसा के खातिर बाबा ने नाम लिया साई। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करके साईं के प्रचार प्रसार में अपना योगदान जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम साईं राम।